अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आप जानते हैं पूरी दुनिया में अगर किसी के चर्चे हो रहे हैं तो वो तालिबान हैं। तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान में मुतअद्दिद इलाकों पर कब्ज़े के हवाले से सामने आने वाली खबरों की जहां दुनिया भर में तश्वीश पाई जाती है और दुनिया के कई ममालिक अमरीका की वहाँ से वापसी को बहुत गौर से देख रहे हैं, जहाँ अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान की जानिब से हालिया वाक़ात पर रद्द अमल सामने आया है, वहीं इंडिया, ईरान, तुर्की जैसे खिते के बड़े ममालिक के हवाले से बहुत से ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि वो भी अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। मिसाल के तौर पर हालिया दिनों में इंडिया के सफारती हलकों में इस हवाले से तश्वीश पाई जाती है और वहाँ हफ्ते जुमेरात को इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस शंकर के ईरान के दौरे को भी इसी तनाजर में देखा जा रहा है। अपने क्याम के दौरान एस शंकर ने तहरान में नौमुंतखिब सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और इंडियन वज़ीर आज़म मोदी का पैगाम भी उन्हें पहुँचाया। ताहम जिस दिन इंडियन वज़ीर ख़ारजा तहरान में थे उस दिन अफगान हुकूमत और तालिबान का भी एक वफद वहाँ मौजूद था। इसके बाद जब जयशंकर रूस पहुँचे तो वहाँ भी तालिबान के नुमाइंदे मौजूद थे। ताहम इस हवाले से इंडिया की तरफ से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया के दोनों फ्रीकैन के दरमियान कोई मुलाकात हुई है या नहीं। माजी में भी इंडिया और तालिबान के मबैन गैर रस्मी गुफ्तगु की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इंडियन हकाम ने हमेशा इनकी तरदीद की है। तहम कुछ तज्जिया नगारों का ख्याल है कि इंडिया कुछ वजूहात की बिना पर तालिबान से रबते में हैं। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के बैन अलाक़वामी अमूर के प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि तालिबान से बैक चैनल मुजाकरात करने की अपनी वजूहात हैं। नाज़रीन अगर अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बात करूँ तो तालिबान ने दावा किया है कि अगर वो चाहें तो दो हफ्तों में पूरे मुल्क पर कब्जा हासिल कर सकते हैं और फिलहाल ख्याल यही किया जा रहा है कि अफगानिस्तान का एक तहाई हिस्सा तालिबान के ज़ेर असर है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की कमान संभालने वाले जर्नैलों का कहना है कि मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बहुत तश्वीशनाक है। प्रोफेसर मुक्तदर खान के मुताबिक तालिबान के इक्तदार में आने से पाकिस्तान, ईरान, इंडिया और चीन सब ममालिक में इज़्तिराब बढ़ जाएगा। तालिबान चीन की सरहद तक पहुंच गए हैं, वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी खतरा पैदा कर सकते हैं, पाकिस्तान को तालिबानाइज कर सकते हैं। ईरान भी इस खतरे से दूर नहीं है और आने वाले चंद महीनों में हम देख सकते हैं कि इन ममालिक के मुबैन तलुकात को नई शक्ल दी जा रही है। हालात किस तरफ जाते हैं और तालिबान की किन ममालिक से बनती है और किन से नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारी दुआ है जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। नाज़रीन इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।